अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे तमाम दोस्तों को मेरा सलाम पेश करते हुए मैं आप लोगों के लिए चंद अमल लेके आया हूं। देखिए, मैं आसान अमल होता है ना, आसान अमल में होता है कि आसान अमल में भी आपको लिखना होगा। मैं आसान से अभी बोल सकते हैं बहुत ही एकदम के सिर्फ आपको प्रिंट आउट लेना है और काम करना है। टेक्नोलॉजी है ना, तो टेक्नोलॉजी कह सकते हैं मेरे अमले आपको, क्विक टेक्नोलॉजी। बहरहाल मैं आपके लिए चंद नक्श बनाकर लाया हूं जो मैं आपको बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। हाँ, मैं मेरी वीडियो लास्ट तक देखें, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बॉम्बे हाजी अली दरगाह गया था। सबके हक में दुआ करने जिन्होंने भी काम कराए थे, और माहिम शरीफ गया था, हाजी मलंग, ये सब जगह जाके आया हूँ मैं। इसलिए मैं थोड़े दिनों से बाहर था तो मैं फ़ोन कॉल्स नहीं ले पाया था। मैं आपको अभी एक नक्श बताऊँगा और उसका तरीका मैं आपको बताऊँगा। अगर आपका कोई दुश्मन है या अगर आपकी किसी रिश्तेदार को या आपको किसी ने परेशान तंग कर रखा है, और या कोई आपका ऐसा शख्स है जिसको आप दूर करना चाहते हैं, जो मेरी वीडियो ज़्यादा बन जाएगी और मैं अमल ज़्यादा दिखाता हूँ, तो थोड़ा देख लें आप। जो मियां बीवी के बीच में आते हैं, जो आपके अच्छे रिश्तों को जैसे कि आप किसी से मोहब्बत कर रहे हो और कोई बीच में आता है, जैसे आपकी शादी हो गई है, आपके शोहर को कोई सता रहा है, बीच में आ रही है, अगर आपकी बीवी के बीच में कोई आ रहा है कोई भी मसला हो, तो उसके रास्ते पे से जाने वाली थोड़ी मिट्टी ले लें। रास्ते पे से वो जब जाएगा, उस रास्ते पे थोड़ी मिट्टी ले लें और इस नक्श को, ये आपको मैं समझता हूँ पूरा नज़र आ रहा है, अमल नंबर एक है ये। देखिए, इसका आप गौर से देख लें, स्क्रीनशॉट निकालना है। स्क्रीनशॉट दे दिया है मैंने, जैसा भी आए आप ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करता है, जुदाई के लिए मुजर्रब है। हाँ, अब ये स्क्रीनशॉट लेके आप क्या करेंगे, अगर कोई पड़ोसी जो तकलीफ़ देता है आपको, उसको दूर करना है। अगर ऑफिस में आप जॉब करते हो तो आपको कोई तकलीफ़ देते हैं तो उनको दूर करना है। हक़ पे जो भी जाए इस काम के लिए, तो इसका यहाँ पे नाम लिखें, यहाँ पे नीचे में नाम लिखें जो आपको तकलीफ़ देता है, और फिर उसकी माँ का नाम बिन लगाकर उस लड़के का नाम, अगर लड़के को दूर करना है, अगर लड़की को दूर करना है तो बिनते लगाकर उसकी माँ का नाम लिखें। अगर यहाँ पर उसका नाम लिखने के बाद में माँ या माँ का नाम नहीं पता है, तो अगर लड़की है तो बिनते हवामा लिख दें, अगर लड़का है तो बिन हवामा लिख दें। इतना ही करना है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, जगह छोड़ा है, काट के नक्श बनाया है। और फिर इसको आपको क्या करना है, दुश्मन के चलने के रास्ते की मिट्टी, उसके चलने के रास्ते की मिट्टी लेकर उस मिट्टी को और इस नक्श को, ये हाफ पेज का नक्श आएगा, इसमें वो मिट्टी डाल दें, एक अलग सी आग में मिट्टी को इस पेपर के साथ जला दें, फिर ऐसे ही उठा लें वो, फिर उठाकर उसके चलने के रास्ते में, वो शहर से भी दूर हो जाएगा। अगर उसको शहर से दूर करना है तो मेरे ख्याल से वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, हाँ, तो उसके रास्ते में डाल देना है। वो घर से दूर हो सकता है, अगर ऑफिस में सताता है तो ऑफिस से दूर हो सकता है, अगर आपके हस्बैंड के साथ किसी का नाजायज रिश्ता है तो वो औरत दूर हो सकती है। अपना मकसद यहाँ लिखें,
यहाँ पे लिखे ये औरत इस फलाने से जुदा हो जाए, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये जगह बहुत है। मकसद भी लिख के इसको आग में जला दे, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ये आपको करने के बाद में 7 दिन देखना है। अगर 7 दिन में नहीं होती है तो फिर 11वें दिन ही, क्योंकि मैंने ये जो वक्त में लिखना था उस वक्त में लिख दिया है। आपको इसका अभी कभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मेरे तरफ से आपको इजाज़त है, अल्हम्दुलिल्लाह आप ले सकते हो। लिखने का वक्त होता है जो हम लिख देते हैं, तो बहुत ही मुजरब और कारसाज है इंशाल्लाह। हाँ, इसको करना क्या है, मैंने बोला था ये नक्श प्रिंट निकाल कर दुश्मन के चलने के रास्ते की मिट्टी लेकर दोनों को नक्श और मिट्टी को जलाना है, आग में डालकर जलाकर फिर उसके रास्ते में जहाँ से मिट्टी उठाई थी उसी रास्ते में कहीं पे भी चलते हुए रास्ते में डाल देना है, और यहाँ पे दोनों का नाम लिखना है जिससे जिसकी जुदाई हो, जायज़ काम के लिए। नाजायज़ मियाँ बीवी को जुदा करना नहीं है, दो प्यार करने वालों को जुदा ना करें। और मैं ये कहूँगा कि जायज़ काम के लिए करें। हाँ, ये एक हो गया। अगर मेरी वीडियो आप आखिर तक देखते हैं तो मैं एक और अमल बताना चाहता हूँ आपको, नहीं तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ। एक अमल और दिखा सकता हूँ मैं 10 मिनट के अंदर, क्योंकि 6:30 मिनट में देख लीजिए, एक और अमल देख लें। शादी के वास्ते गले में डालना, दूसरी शादी जल्दी होगी। अगर किसी की शादी हो गई है, तलाक हो गया है, लड़की हो लड़का हो या फिर शादी ही नहीं हो रही हो, शादी के लिए नक्श है, जबकि ये अमल का नाम ही लिखा गया है दूसरी शादी जल्दी होने के लिए करके अमल लिखा है, तो फिर पहली शादी कितनी जल्दी हो जाएगी ये आप सोच के अमल करें। अमल एक नक्श है, कुरान की आयत है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी केरला की किताब है, उसके नीचे दूसरा अमल भी है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ होल्ड करके। देखिए, ये तावीज़ बनाना है, मतलब कि प्रिंट आउट लेना है। टेक्नोलॉजी इजी अमल है ये, आपको लिखने की दिन की इसकी उसकी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये नक्श बनाकर, मतलब कि प्रिंट आउट लेकर देख ले आप। मैं समझता हूँ समझ में आ गया, छोटा सा हथेली जितना चौड़ा आएगा इसको लेकर आपको एक हरी डोरी में थोड़ा अगरबत्ती की खुशबू देकर फिर अत्तर लगाकर एक तावीज़ बनाकर पहन लें, इस ख्याल से कि शादी जल्द हो, सिर्फ शादी जल्द हो इतना ही लिखे, अल्हम्दुलिल्लाह उससे काम हो जाएगा। मैं एक और नक्श लेके आया हूँ जो कि एलर्जिक, जैसे कि शेविंग करता हूँ तो मुझे भी हो जाती है कभी कभी, खुजली, एलर्जिक, बदन पर दाने आ जाते हैं, मुंह पे दाग धब्बे आ जाते हैं, कील मुहासे आ जाते हैं, तो उसके लिए है, उसको सिर्फ मैं एक छोटा सा पलीता देता हूँ, उसको आपको जलाकर उसकी राख को सराफ सिर्फ तमाम ऐसे चेहरे पर ऐसे ऐसे मल लेना है उसकी राख को, इंशाल्लाह ये तुम आपको 7 दिन या 11 दिन का इसमें ये दिया गया है, ये है, ये छोटा सा पलीता है। देखिए, इस आदात का प्रिंट आउट निकालें, आप निकाल के जला दें, जला के इसकी राख को इस तरह से मुंह पे लगाना है, 7 दिन लगाएं इंशाल्लाह कम हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन लगाना है आपको। मैं समझता हूँ कि मेरे दोस्तों को मेरे बताए हुए अमल समझ में आए होंगे और फ़ायदा ज़रूर उठाए। देखो, अभी मैंने ये अमल बताए हैं,
तो इसके एतबार से ना मैंने फ़ोन कॉल्स में कुछ बताना है न ही आपको फ़ोन कॉल करनी है, ना ही आपको फ़ोन कॉल्स करनी है, ना मैं ही कुछ बताऊंगा इसके बारे में। अगर किसी को मेरे से काम कराना है तो ही मुझे कॉल्स करें। वक्त ज़्यादा हो गया है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई, पसंद आई और आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं, हक़ के लिए, जायज़ के लिए उठाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह शायद आपको इतना इजी चैनल कोई और ही मिलेगा है, माशाल्लाह। मैं ये नहीं बोलता कि मेरा ही चैनल है मगर इतना इजी नहीं है कोई चैनल। अल्लाह हाफिज़। पसंद आई है तो वीडियो ज़रूर लाइक दें।